तो वहीं खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम अशोक गहलोत का केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत पर निशाना। आपको बता दें कि पूर्वी राजस्थान की नहर परियोजना को राष्ट्रीय दर्जा नहीं मिला, उन्होंने ऐसा कहा। और ये भी कहा गया है कि मैं लगातार 3 साल से वादा याद दिला रहा हूँ। सीएम ने ये भी कहा कि पीएम के वादे का खंडन करना दुर्भाग्यपूर्ण, राजस्थान की परियोजनाओं में उनकी कोई रुचि नहीं है, ERCP में भी शेखावत का रुचि नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएम ने यह भी कहा कि पीएम ने ERCP पर एक शब्द नहीं कहा, अगर कहा है तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, ऐसा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का कहना है। सीएम ने यह भी कहा कि 7 जुलाई 2018 को जयपुर की रैली में पीएम ने यह भी कहा था, ERCP को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की बात कही थी। 6 अक्टूबर 2018 को अजमेर रैली में भी वादे को दोहराया गया था। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अब निशाना साधा गया है। सीएम ने कहा कि पीएम ने कहा था रैली में, साथ ही ये भी कहा गया था कि इस ERCP में भी शेखावत का रुचि नहीं होना है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पीएम ने ERCP पर एक शब्द नहीं कहा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ा बयान दिया गया है सीएम द्वारा। आपको बता दें कि सीएम ने कहा कि पीएम ने ERCP पर एक शब्द नहीं कहा है, साथ ही अगर कहा होता तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, ऐसा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि 7 जुलाई 2018 को जयपुर की रैली में पीएम ने कहा था कि ERCP को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की बात उन्होंने कही थी। वहीं 6 अक्टूबर 2018 को अजमेर रैली में भी वादे को दोहराया गया था, मैं लगातार 3 साल से वादा याद दिला रहा हूं। तो ये पीएम के वादे का खंडन करना एक दुर्भाग्यपूर्ण है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बड़ा निशाना साधा गया है सीएम द्वारा। तो आपको बता दें कि ERCP को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की बात कही थी सीएम ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि 6 अक्टूबर 2018 को अजमेर रैली में भी वादे याद दिलाए गए थे। तो ट्वीट भी आपको उनका दिखा रहे हैं, जहां उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है सीएम अशोक गहलोत ने। तो सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर ये निशाना साधा है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की।